First leg of the Pravasi Bharatiya Sammelan 2013 is being held in Chandigarh today. Designed on the lines of the Pravasi Bharatiya Divas organized by the Union Ministry of Overseas Indian Affairs, the Sammelan is being viewed as an attempt by the Punjab government to showcase Punjab as best investment destination in the country. However, no local media except for PTC Channel, which is partly owned by Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal, was allowed inside the function venue in Chandigarh today. For more on this, we are joined by our correspondent Jagtar Puller. Jagtar, sam dassonge ki kede kede channels nu NRI sammelan cover karan di permission jehdi hai oh ditti gayi hai. जसरीर, मैं सब तो पहले दसना चाहवांगा कि एक पंजाबी च कहावत बड़ी मशहूर है कि आपे मैं रजी पुजी आपे मेरे बच्चे जीन। वो कहावत अज बिल्कुल पंजाब सरकार ते ठुकदी हैगी है। NRI सम्मेलन जिहड़ा प्रवासी पंजाबियों दे जिहड़े दुख तकलीफां नूं लै के सम्मेलन सद्या गया सी, करोड़ां रुपए खर्चे जा रहे ने, लेकिन वह पंजाब सरकार दे ने बिल्कुल घर दा बादल परिवार दा जिहड़ा प्रोग्राम बन के रह गया है। बादल परिवार वालों सद्या गया और सब तो जी खासियत सवाए जो PTC है जो हमेशा तो चर्चा है कि जो चैनल है PTC चैनल है ये पंजाब सरकार का नहीं है, बादल सरकार का है, चाहे पंजाब सरकार कह लो चाहे बादल सरकार कह लो, उन्होंने चैनल है और इस चैनल में सिर्फ बुलाया गया। और अगर सब तो वही सवाल है कि अब जो भी सीनियर अधिकारियों के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने गल की गई तो उन्होंने कहा कि PTC को राइट्स है, अगर सरकार ने राइट्स दिए है कदों राइट दिए ने कि जगतार, तुसी उत्थे डे एंड नाइट न्यूज़ नूं रिप्रेजेंट कर रहे हैगे हो, डे एंड नाइट न्यूज़ नूं इह जिहड़ा सम्मेलन हैगा उह कवर करन दी परमिशन नहीं मिली, जदों तुसी उत्थे अधिकारियों नूं अप्रोच कीता तां तुहानूं किस तरह दा जिहड़ा जवाब हैगा उह हासिल होया? जिसलिए मैं सब तो पहले दसनी चाहवांगा कि जो रात मेरी गल हुई पब्लिक रिलेशन के डायरैक्टर है DS मांगड़, उन्होंने फोन ही चैक है, उस तो बाद एडिशनल डायरैक्टर पब्लिक रिलेशन है मिसिज सेनू दुग्गल, उन्होंने गलबात हुई और उन्होंने मैं बड़ा स्पष्ट पूछा कि मीडिया केड़ा अलाउड है, तो उन्होंने कहा कि असी प्लानिंग कर रहे हैं कि किन्ना बुलाना है, पर उन्हें रात ही दस दिया कि असी सिर्फ PTC ही सद्दा दिता है। और अज जो साड़ी जी टीम हैगी है जेड़ा JW मैरियट होटल वो जो एंटर किए गए तो स्पष्ट तौर जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी तैनात किए गए, उन्होंने शब्द साफ शब्दों में कहता है कि सिर्फ जी अज जी कार्रवाई हैगी है ये सिर्फ PTC चैनल ही दिखा सकता और इस तो बाद कोई भी गल करने तैयार नहीं है कि आखिर PTC परमिशन किने दी हैगी है, क्योंकि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर भी है और NRI मिनिस्टर भी है। कवरेज वास्ते उत्थे किसी तरह की किसी किस्म की कोई बिडिंग हुई सी जिहड़ी सिर्फ और सिर्फ PTC दे हाथ लगी है? जिसलिए जिस तरह मैं पहले कह चुका कि जोड़ा प्रोग्राम है सिर्फ पंजाब सरकार का नहीं बादल परिवार का बन के रह गया है और लगता है कि जोड़ा फैसला है पंजाब सरकार ने पहले ही डिसाइड कर लिया होगा, खास करके जोड़ा बादल फैमिली है जिद डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल चाह फिर बिक्रमजीत सिंह मजीठिया उन्होंने बैठ के फैसला कर लिया होगा कि यह जे अधिकार है सिर्फ जी परमिशन देनी हैगी और PTC देनी है। और अज जो सवेर जे होर भी जो चैनल इतने लोकल चैनल आ गए, चाहे असी दूसरे ग्रुपों की गल करिए जी ग्रुप की गल करिए टाइम्स नाउ की गल करिए जिन्हें भी इतों के चैनल है जो इतों चंडीगढ़ तो हर चैनल ने अपने प्रतिनिधि तैनात किए हैं, वो सवेर के इतों वापस मुड़ के जा रहे हैं और सारे रोस पाया जा रहा है और फैसला किया जा रहा है कि जेडे यदि जी गल बकायदा तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने की जाएगी, अगर इस तरह के प्रोग्राम करके सिर्फ एक चैनल ही परमिशन देनी हैगी है तो फिर अगे तो यह जो प्रोग्राम बुलाने का कोई फायदा नहीं। मैं तो यह भी दसना चाहूँगा कि प्रकाश सिंह बादल जो भी कोई मीडिया के हकों की गल करते तो हमेशा नारा मार दे कि अकाली दल एक ऐसी पार्टी हैगी जिन्हें एमरजेंसी वाले मीडिया का साथ दिता, लेकिन जब हम सरकार आ गए ने तो मीडिया से पूरी तरह ने कब्जा किया, उन्होंने एक मोनोपली आ गया, वो जो हूँ हाथ है जो नारा वो नहीं मारे है और सिर्फ वो अखबारों के बयान तक ही सीमित रह गया। जी अजितार, मैं ये पूछना चाहवांगी कि तुसी जिवें क्या बाकी चैनल्स का भी प्राइवेट जो चैनल्स ने उन्होंने भी नाम लिता है, सिर्फ डे एंड नाइट नू ही नहीं बाकी भी चैनल्स है जिन्होंने ये कवर सम्मेलन जो है कवर करने की परमिशन नहीं दी गई, यह एक सरकारी फंक्शन है तो आई थिंक सरकारी फंक्शन जो है कवर करने तो परमिशन जी हैगी इनकार जो है नहीं कर सकते, की सरकार इस तरह कर सकती है तुहाडे हिसाब नाल?
बिल्कुल जसलीन इस तरह बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि पंजाब सरकार जो पब्लिक लोक संपर्क विभाग हैगा वा वह पंज हमेशा जिन्हें भी इतों चंडीगढ़ के जाए इलैक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया की गल करिए हर एक अखबार का और चैनल का प्रतिनिधि सरकार वालों मानता प्राप्त हैगा। और हुण सवाल यह है कि इस डिपार्टमेंट के जिहड़े मिनिस्टर है वह बिक्रमजीत सिंह मजीठिया वा और जिन्हें को NRI का पोर्टफोलियो भी हैगा तो इस करके जिहड़ा भी सरकार ने जिहड़ा फैसला किया और जिन्हें भी मेरी हुण तक जिन्हें भी दूसरे लोगों के नाल गल हुई होर प्रतिनिधियों के नाल गल हुई अखबारों के पत्रकार ज इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने गल की सारे च रोस पाया जा रहा है कि जिहड़ा फैसला है सरकार का बहुत ही निंदनयोग फैसला है कि एक पासे तो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कह रहे कि असीं मीडिया के हकों की गल करते मीडिया के हितों की गल करते लेकिन जब उन्हां दी सरकार हैगी पिछले 6 सालों तो गल की जाए तो हमेशा जो पंजाब जो मीडिया को दबा के रखा गया सिर्फ सवाए PTC जो सरकार की बोली बोलता उन्होंने दिखाया जा रहा है जो भी सरकार के जोड़े खबर सरकार दकामिया और नलैकियां उजाहर करता वो आवाज़ दबाई जा रही है और अब साबित करता है जो PTC चैनल आ उ सरकार एक चैनल बाकी है जो सरकार दजर कोई भी जो मीडिया वो काउंट नहीं होंगे और जो बिक्रमजीत मजीठिया वो इस वे प्रोग्राम च हाजिर ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह हाजिर ने सुखबीर सिंह हाजिर ने और किसी ने भी ये अपील नहीं की हैगी कि PTC के नाल जो बाकी मीडिया भी बुलाया जाए। और जसलीन मैं एक होर गल दसना चाहवागा कि जेड़े प्रवासी पत्रकार बुलाए गए चाहे कनेडा चाहे जर्मनी चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे इंग्लैंड उन्होंने जेड़े प्रतिनिधि जेड़े उत्थे बाहर फॉरन दे विच अखबार कढ़दे उन्होंने चंडीगढ़ हर एक अखबार के इत्थे प्रतिनिधि उन्होंने वालों डिप्यूट किए गए उन्होंने भी बीती रात मीटिंग की गई सी उन्होंने भी सरकार के एक पासे ते फैसले का स्वागत किया कि प्रवासी सम्मेलन करे दूजे पासे सरकार की निंदा भी की हैगी कि जेड़े प्रवासी पत्रकार है जेड़े प्रवासी अखबारों के जेड़े प्रतिनिधि जेड़े चंडीगढ़ डिप्यूट किए गए उन्होंने भी बुलाया नहीं गया तो इस कुल मिला के सवाए PTC नूं छड के बाकी चाहे भी चाहे फॉरन मीडिया की गल की जाए या हिंदुस्तान की मीडिया की गल की जाए या इतों के लोकल मीडिया की गल की सारे रोस पाया जा रहा और एको आवाज़ की जा रही है सरकार का जो प्रोग्राम है लोग ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਜਿਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ देखो मीडिया जो है वह एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होंगे जिसनों कि जो NRIs है वह अपन मंगा लैके उन्होंने वालों जेश फेस की जा रही मुश्किल ने उन्होंने लैके तो जिड़िया उन्होंने अनथक कोशिशा है उन्होंने लैके वह मीडिया यूज करते हैं वो प्रमोशन करने वास्ते तो नहीं लगता कि यह सीधी सीधी तरह एक NRI भाईचारे को सट वज रही है यह जो फंक्शन है बाकी चैनल वालों ना कवर करने बिल्कुल क्योंकि जसलीन हूँ जिन्हें भी उत्थे अंदर जो भी कुछ हो रहा है किसी को नहीं पता की हो रहा की है सरकार दे मंगा रखी जाने जो NRI भरा है और जो ऑब्जेक्शन लाए जा रहे हैं और हूँ जो सारा कुछ हथ वस हो PTC और पंजाब सरकार के हथ वस है बादल परिवार के हथ वस है और केहो जे लोगों की आवाज़ वो लगता जो भी प्रवासी आज विदेशों में वसदे पंजाबी भरावां की गल रखणगे वो सिर्फ एक बंद कमरे में ही रह जाएगी और लोगों तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी। और मैं सब तो वड्डी गल दसना कि जिस तरह जो लुधियाने की गल लईए तो उत्थे जो दी हब है जिथे AIG मांड नूं कुटिया गया सी उस जिहड़ी हब जिस जमीन ते हब जिहड़ा होटल बनया हैगा वह भी एक चर्चा च हैगा कि जिहड़ी वह पंजाब सरकार दे खास करके बिक्रमजीत सिंह मजीठिया दे एलीगेशन लगे हैगे कि उन्होंने जो सनी जौर उन्होंने बड़े गूढ़े रिश्ते आ गए ने तो उन्होंने एक NRI की प्रॉपर्टी से कब्जा करके होटल सारे है तो यहोजे यकीनन तौर जे मसले उठनगे तो शायद इस संभावना को लैके पंजाब सरकार ने सिर्फ PTC आग्ञा दी हैगी कि जे कोई भी प्रवासी भरा यहोजे सरकार के सरकार के मंत्रियों अफसर या विधायकों के एलीगेशन लगते है तो सिर्फ बंद कमरे तक ही सीमित रहेंगे ना इधर के पंजाब के लोगों को पता लगेगा ना विदेशों में जिहड़े पंजाब बने है छोटे छोटे पंजाबी भरावों वालों हर एक शहर में हर एक स्टेट में हर एक कंट्री में पंजाब वसदा है उन्हें तक भी जी अज उन्हों की जी आवाज़ है उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे है वो नहीं पहुँचेगी। जसलीन जी जगतार बिक्रम मजीठिया की जो आप गल करिए जिमें दसिया कि NRI सैल भी संभालते हैं इनफॉर्मेशन से PR भी संभालते हैं तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वह एक तरह जो है PTC चैनल जो है ओन करते हैं तो जे इस गणित का आप जमा कुटा जो लगाइए तो डे एंड नाइट जो है थानू की लगता उन्होंने स्पैशल जी है परमिशन क्यों नहीं मिली।
जसलीन ने बड़ा स्पष्ट आ गया कि जो पंजाब सरकार रही है हमेशा ही जो डे एंड नाइट न्यूज चैनल है उन्हें लोगों की आवाज उठाई हैगी है लोगों के मसले उठाए गए ने हर एक पंजाबी की गल सामने रखी हैगी है पर पंजाब सरकार खास करके बादल परिवार को यह डे नाइट की गल जी डे नाइट का एक जो निरपक्ष लैके निरपक्ष सोच में लैके लोगों की आवाज बुलंद की जा रही है वह हमेशा ही दुख दी रही हैगी है और इस करके डे नाइट में हमेशा दबन की कोशिश की कुचल की कोशिश की गई है लेकिन हमेशा जेडे निरपक्ष और निडर अदारे वो अपने मंजिल में लैके चलते रहते है और सरकार की जी नाकामी जी कोशिश है वह वक्री गल डे एंड नाइट की जी आवाज न कुटिया जा रहा कुचलिया जा रहा दबलिया जा रहा फिर हमेशा जो पंजाब सिर्फ इस पंजाब की नहीं किसी भी विदेशी कोने की गल करिए जिथे भी पंजाबी वसदा ज जिथे भी निरपक्ष सोच रखने वाले लोग आ हमेशा ही डे एंड नाइट के नाल खड़े है चट्टान वाग खड़े है लेकिन सरकार ये नज़र जे डे नाइट के जो पक्ष है कि लोगों की आवाज ना दसो सिर्फ सरकारी बोली बोलो उसे लैके डे नाइट को बाहर रखा जा रहा है तो जिस तरह पिछे जी विधानसभा की गल करेंगे जो बिक्रमजीत समजीठिया ने एक जी जी सच्ची सुची जी एक विधानसभा मनी जाती एक पवित्र सदन मनिया जाता है जो उ गाली गलोच किया गया तो डे एंड नाइट ने भी स्टार्टिंग प्रमुखता छापे बाद वक्री गल है कि स्पीकर ने किसी ना किसी दबाव हेठ जे अनाउंस करता है कि जे बिक्रमजीत समजीठिया वालों गाली गलोच एक्सपंज करार दिए गए उस तो भी लैके अकाली दल काफ़ी खबर नजर आ रहा है तो शायद अज भी इसे लैके कि जो भी अंदर की जी गलबात है सिर्फ डे एंड नाइट ही लोगों की जी आवाज बन चुका है वो ही दिखा सकता है इसे करके उन्हें अज डे नाइट में परमिशन नहीं दी है सिर्फ पीटीसी को परमिशन दी है और पीटीसी हमेशा ही जिस तरह बादल परिवार चाहता जिस तरह पंजाब सरकार चाहता उ आवाज लोगों तक पहुंचती हैगी है जो पंजाब की जनता शायद ना पसंद करके जो पसंद किया जा रहा है डे एंड नाइट न्यूज चैनल वो लोगों को पंजाब सरकार ने खोया खोया है और सरकार के जतन जारी है लेकिन डे एंड नाइट न्यूज चैनल अपनी मंजिल वाल वधदा जा रहा है जी जसली जी जगतार जानकारी देने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद No local media except for PTC is allowed to cover the Bharatiya Pravasi Sammelan 2013 which is being held in Chandigarh.